स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विष्णु बिहानी और हम लोग अब आगे वेक्टर्स में देखने जा रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। देखो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हमने अभी बात करी थी ट्रायंगल लॉ के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल लॉ का एडिशन हमने देखा और साथ में हमने देखा कि एंगल कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है। एक्चुअली रिजल्टेंट अननोन होता था और नोन के साथ में हमें उसे निकालना होता था, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आगे अगले लॉ की, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बच्चों क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि पैरेललोग्राम की साइड्स आपको पता है कितनी होती हैं, चार। तो चार साइड में पैरेललोग्राम की ये कहता है कि किसी दो साइड को हम लोग दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। पैरेललोग्राम के किसी दो साइड को हम लोग दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, दो एडजेसेंट साइड को हम लोग दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, जैसे ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इनका जो डायगनल होता है, डायगनल वो इनके रिजल्टेंट को शो करता है, ठीक है। तो डायगनल अगर इनके रिजल्टेंट को शो करता है तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो गया, वापस से यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्लियर बच्चों। नाउ ए और बी के बीच में अभी भी एंगल हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं, और रिजल्टेंट और ए वेक्टर के साथ में एंगल अल्फा, और रिजल्टेंट और बी वेक्टर के साथ में एंगल बीटा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, इस बी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आओ, इस जगह जैसे आप बी वेक्टर को लेके आओगे बच्चों, तो ध्यान से देखो आपको वापस से ये ट्रायंगल लॉ नजर आने लग जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, वैसा का वैसा ही। यहाँ पे बस क्या अंतर है, रिप्रेजेंटेशन का। आखिर हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब ध्यान से सुनो, याद करो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जरा समझने की कोशिश करना। मान लो ए वेक्टर का फर्स्ट ले रहा हूं मैं, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ से देखो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, क्लियर। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ठीक इनके एंगल के बाइसेक्टर से पास होगा, यानी कि अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये एंगल मेरे पास थीटा बाई टू और ये एंगल मेरे पास थीटा बाई टू हो जाएगा। बोलो बच्चों ये बात आपको समझ में आई, यानी कि एंगल उसका आधा आधा हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस से देखना चालू करो, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना सा हो गया, तो आपके पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। और ध्यान से देखो, अगर आप रिजल्टेंट इसका ड्रॉ करने जा रहे हैं तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये एंगल आपको बड़ा नजर आएगा बीटा, और ये एंगल नजर आएगा छोटा, इनके बीच में एंगल अभी भी थीटा है, क्लियर है। तो ध्यान से देखो और आप मेरे को बताओ कि रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ है। ऑब्वियसली रिजल्टेंट ए वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसलिए बोल रहा था बच्चों, वेक्टर का लेंथ अगर उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है तो मैग्नीट्यूड को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, क्लियर। तो देखो, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि बी वेक्टर इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा आ गया, कि बी वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रखा है रिजल्टेंट ने बीटा, वो ग्रेटर है अल्फा से, क्लियर है। वहीं अगर मैं थर्ड केस में ये ले लूं कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है ए वेक्टर से, ठीक है बच्चों, देखना इस बार। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं लेता हूं, मान लो बी वेक्टर लेता हूं, ये रहा मेरे पास बी वेक्टर और ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कंसल्ट करो, ये अपने पास पैरेललोग्राम आने वाला है ना, और इसका जो डायगनल है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ध्यान से देखो, यहां एंगल क्या हो रहा है, छोटा, और ये एंगल अल्फा, इस बार अल्फा ग्रेटर देन बीटा होने वाला है, और रिजल्टेंट किधर की ओर झुका हुआ है, ज्यादा बी की ओर। अरे भाई समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो एक बॉक्स मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, इस बॉक्स पे मान लो यही है, चौक ही है, इस चौक पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, और 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना तो ये इस डायरेक्शन में प्योर जा रहा है ना ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है किसी इस डायरेक्शन में, लेकिन 10 न्यूटन की तरफ ज्यादा जाएगा, 1 न्यूटन की तरफ कम जाएगा, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कि वेक्टर को आखिर हम लोग किधर की ओर रिजल्टेंट को ले रहे हैं वेक्टर से।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग देखेंगे अब तीसरा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर है और वो साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर दिया, इधर ये बी वेक्टर दिया हुआ है, इधर ये सी वेक्टर दिया हुआ है ना, इधर ये डी वेक्टर दिया हुआ है, इधर ये ई वेक्टर दिया हुआ है और इधर ये एफ वेक्टर दिया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने आपको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताया, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताया, और मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि ये वेक्टर कितने कितने डिग्री एक दूसरे से इंक्लाइंड है। लेकिन पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देखो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर बहुत सारे वेक्टर आपके साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज हो तो इन सबका जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो आता है। यानी कि अगर हम लोग चार पांच फोर्सेस ले लें और उन सबको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करें किसी बॉडी के ऊपर लगाते हुए, तो वो बॉडी वहां से डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो इसका रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अगर आपके पास में साइक्लिक ऑर्डर अरेंजमेंट बंद ना हो, बंद मतलब देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको ये दे दिया कि पार्टिकल्स को अरेंज किया गया और साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, तो रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों अब वो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में जिसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको साइक्लिक ऑर्डर में जीरो कर सकते थे। जैसे समझने की कोशिश करो, मैं इधर की ओर जैसे यहां तक डी तक आया, अगर मैं यहां से यहां तक ई लगा देता तो मेरा रिजल्टेंट क्या आता, जीरो। इसका मतलब मेरा बॉडी नहीं सरकता, ठीक है, मेरा बॉडी यहां से नहीं सरकता। लेकिन अब मेरा बॉडी यहां से क्या हो गया, ये है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो हमारा बॉडी क्या होगा, उस डायरेक्शन में सरकेगा जिसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा के इसको रोक के रख सकते थे। यानी कि अगर मैं इधर लगाता फोर्स तो ये रुक जाता, लेकिन अब ये फोर्स है ही नहीं तो ये बॉडी जाएगा किधर, ये बॉडी जाएगा उस डायरेक्शन में। बोलो आपको बात समझ में आई? ये मेरे पास ई वेक्टर हो गया। तो साइक्लिक ऑर्डर में पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर अरेंजमेंट कंप्लीट ना हो तो रिजल्टेंट हमेशा उस डायरेक्शन में आता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा करके इस साइक्लिक ऑर्डर को जीरो कर सकते थे। ठीक है बच्चों, नाउ समझने की कोशिश करना कि अगर साइक्लिक ऑर्डर अरेंज ना हो तो रिजल्टेंट आपका उस डायरेक्शन में आता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में आप हेड को जीरो कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे सुनो, कि हमारे पास पॉलीगन लॉ का, पॉलीगन लॉ में ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास साइड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे मान लो कि अगर आप उसके पास साइक्लिक ऑर्डर में कुछ अरेंज हो, जैसे मान लो कि ये है तीनों की साइड सेम, इसका मतलब ये क्या बना हुआ है, तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो आप लोग मेरे को बोलेंगे 60 डिग्री, जबकि वो आंसर गलत है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच एंगल 60 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेल से हेड कनेक्टेड है, और मैंने आपसे बोला था जब तक टेल से टेल कनेक्ट नहीं हो तब तक आप नहीं बोलोगे। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये मान लो आपके एक्सेस हो गए। ठीक है, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो ये वाला वेक्टर आपको कुछ इधर नजर आएगा। ठीक है, इस वाले वेक्टर को आप ड्रॉ करो, उसको पैरेलल शिफ्ट करो, ये यहाँ नजर आएगा, इसको आप पैरेलल शिफ्ट करो, ये यहाँ नजर आएगा। और आपको पता है तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो आपको पता है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि देखो ध्यान से, 0 से लेकर 360 डिग्री तक अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो बच्चों जितनी साइड से आप उससे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, ये 120 डिग्री। यानी कि हर दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, वही वेक्टर का सबसे खूबसूरती यही है कि हम लोग वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो आपको ये दिया जाए, ठीक है, अब आपको ये सारे साइड एक किसी की लगी, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके इनमें दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। वैसे ये बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में एंगल 90 नहीं है, लेकिन ड्रॉ कैसे करना है वो समझो। सबको पैरेलल शिफ्ट करो, नीचे वाला ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे आ गया, ये वाला
ऐसे आ गया, ये वाला ऐसे आ गया, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया इंच, ठीक है। वही अगर बात करूं मैं पेंटागन वाला, अच्छा यहां पे भी आप कर सकते हो, जैसे इक्वल इंक्लाइंड है सबसे ऊपर, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो आएगा इंच एंगल, इंच दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। वही अगर जैसे मान लो पेंटागन आ जाता है आपके पास में, ध्यान से देखना, और ये सारे वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये सारे वेक्टर इक्वली कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये साइड मान लो ए ए ए ए ए है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। देखो पैरेलल शिफ्ट इसकी कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, ये आपने x और y बना के, मैं इसको लाइन बना रहा हूं एक्चुअली, आप इसको लेके जाओ यहां लेके गए, फिर इसको लेके जाओ इसको यहां लेके गए, फिर इसको लेके जाओ यहां आएगा ये, फिर इसको लेके जाओ यहां आएगा ये, और इसको लेके जाओ यहां आएगा ये। अब आपसे पूछा जाए ये कितने कितने डिग्री पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है, तो आप क्या करो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दिया करो, एक बार इससे काटा तो ये आया मेरे पास में 72, ठीक है। यानी कि हर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, यहां पे 72 डिग्री का है, क्लियर। वही अगर आगे हम लोग और भी एंगल बनाए, तो हर एंगल के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 360 से डिवाइड कर देंगे अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है। अब मेरा एक क्वेश्चन सुनो आप ध्यान से, क्वेश्चन ये कि m फोर्सेस है, ठीक है, m फोर्सेस है और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड, m फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड और साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है, इसमें है साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो इन सबका रिजल्टेंट रिजल्टेंट आपको दे रखा है जीरो है, यानी कि सारी बातें आपको बता दी, m फोर्सेस है, साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इन सबका रिजल्टेंट है, तो किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, आपको बताना है एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। अब देखो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, मैंने आपको क्या कहा था, m फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इक्वली किसके ऊपर टोटल डिवाइड होंगे, 360, ठीक है। तो हर दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे आएगा, ऐसे, तो क्या करो आप 360 डिवाइडेड बाय n, या इसको आप लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाय n, तो हर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितने का आएगा, 2 पाई बाय, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, find angle between both the vectors, kya bola, sum of two unit vector is also a unit vector, find magnitude, also find angle between both the vectors। ab logo ke dimag mein kya aata hai, jaise maine unit vector naam liya to i cap j cap k cap aata hai, please i cap j cap k cap unit vector to hote hain, lekin ye x y aur z axis ke along hai। ab aap khud socho, maine question mein pucha hai aapko angle kya hoga, agar aapne i cap j cap k cap maan liya to aapne angle to already fix kar diya na, unke beech mein 90 degree जो कि गलत हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि ये a वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर a कैप, याद करो मैंने यूनिट वेक्टर में क्या लिखा था, अगर ये हमारे पास में m वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर m कैप हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमको बोला है कि टू यूनिट वेक्टर का सम वापस से एक यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या है वो बताना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो बच्चों आप जानते हो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसका भी मान, अगर इन दोनों का सेम है तो याद करो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, r मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2, कुछ याद है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। अब यहां पे ये a वेक्टर की जगह यहां पे क्या है, कोई भी एक कैप ले लो, एक कैप ले लो और यहां पे c कैप है, यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये 2 हो गया और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है इनटू cos थीटा बाय 2, बोलो बच्चों की बात आपको समझ में। अब इस 2 को आप यहां ले जाओ तो cos थीटा बाय 2 आपके पास कितना आ गया, cos थीटा बाय 2 आपके पास आ गया 1/2, और यहां पे cos थीटा 1/2 कब आ रहा है, cos में 1/2 आता है 60 डिग्री पर, तो थीटा 60 डिग्री पर, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन ये बोलता है कि सम ऑफ टू वेक्टर इज 18, क्या बोला, सम ऑफ टू वेक्टर इज
18 है ना, और रिजल्टेंट का उसने मैग्नीट्यूड दे रखा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसने दे रखा है 12, और उसने बोला है कि ये जो है स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि सम ऑफ टू वेक्टर इज 18, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 and it is perpendicular to a smaller vector, then find the magnitude of each vector. वैसे तो ये क्वेश्चन जो 5 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन पहले मैं मेथड बताता हूँ, फिर 5 सेकंड वाला ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपको बोला जाए कि दो चीजों का सम ये है, तो आप हमेशा क्या करें, एक अननोन क्वांटिटी में उसको बनाने की कोशिश करें। तो मान लो कि एक वेक्टर x है तो दूसरा कितना हो गया 18 माइनस x, तो ये हमारे पास दोनों एक ही वेरिएबल में आए, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। नाउ ध्यान से सुनना, इसने बोला दो वेक्टर का सम 18 है और रिजल्टेंट जो है जिसका मैग्नीट्यूड 12 है वो स्मॉलर वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर है, तो दूसरा वेक्टर ये हो गया हमारे पास, बोलो इसका दे रखा है 12, तो एक काम करो उसको x ले लो, उसको 18 माइनस x ले लो, की फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास रिजल्टेंट है, लोगों के दिमाग में क्या पिक्चर छपी हुई है क्या कि रिजल्टेंट का मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वो हर बार रिजल्टेंट को यही 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 लेने की कोशिश करते हैं, जो कि यहां पे गलत बता रहा है। बात समझ में आया, ध्यान से देखो यहां पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये हमारे पास में हाइपोटेनस है। अब याद करो उस रिजल्टेंट को हमारे निकालने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमें वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था और रिजल्टेंट हमारे पास में क्या था, हाइपोटेनस, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 18 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बोलो बच्चे ये बात आपको समझ में, जब आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 और दूसरी आ जाएगी 18 माइनस x दैट इज 13, क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, बहुत शॉर्टकट, आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए किसकी, जैसे ही आपको बोला राइट एंगल ट्रायंगल और एक तरफ का मैग्नीट्यूड 12 है, तो आपको फट दिमाग में आना चाहिए कि ये 13 होगा और ये 5 होगा और उन दोनों का सम 18 है, तो वैसे ही हो जाता है 5 और 13। समझ में आया, इतने लंबे झंझट में हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन भाई बच्चों, नोट करो इसको, आपको दिया है a वेक्टर 30 मीटर ड्यू नॉर्थ है, ठीक है, और b वेक्टर आपको दिया है 40 मीटर ड्यू ईस्ट। आपसे पूछा गया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, या a प्लस b इसका क्या होगा। अगर ये दिया तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर ये दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्यों ना हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालें ताकि हम सब कुछ सीखें, यानी कि a प्लस b वेक्टर आपको पूछा गया है। तो सबसे पहला काम बच्चों आपका होना चाहिए, जो भी आपने दिया गया है उसको प्लॉट करो, तो जरा प्लॉट करो, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, 30 मीटर टू नॉर्थ यानी कि ये इधर दे रहा है, बोलो बात समझ में, 30 मीटर ड्यू नॉर्थ आपको ये इधर दे रहा है, और दूसरा क्या दिया 40 मीटर ड्यू ईस्ट यानी कि ये आपको इधर की ओर दे रहा है, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 40। अब बच्चों देखो ध्यान से, आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होता हुआ, तो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट आप जान के वो उसका क्या देता है, मैग्नीट्यूड, और ये एंगल आपको यहां से डायरेक्शन दे देगा। मान लो कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमको यहां से मिलने वाला है। तो आप ध्यान से देखो, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, जैसे आपके पास पैरेलल शिफ्ट किया तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, बिल्कुल अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास में 50 मीटर। ये तो आया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ये आपके पास में 40 है, तो ये लग रहा आपके पास में कितनी आ चुकी थी पैरेलल शिफ्टिंग से 30, बोला tan अल्फा आपके पास कितना आ गया बच्चों 30/40, अल्फा कितना आ गया आपके पास tan इनवर्स 3/40। इस एंगल को आप निकाल सकते हैं बच्चों कैसे, इस तरीके से बार बार ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, 53/5, 3/37 और ये 4, आपसे पूछा है 3/4 यहां से आ रहा है 37 डिग्री, अल्फा आ चुका है आपके पास में 37 डिग्री, मैग्नीट्यूड आ चुका है अल्फा आ चुका है, अच्छा ये अल्फा 37 डिग्री आया कहां से, देखो पीछे वाली साइड में क्या है ईस्ट, इधर की तरफ होते हुए नॉर्थ,
तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ और ईस्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ a प्लस बी किस तरीके से लिखोगे, तो लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 50 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करो। अब क्वेश्चन सुनो बच्चों ध्यान से, थ्री वेक्टर्स of magnitude 1 unit, 2 unit and 3 unit are arranged on an equilateral triangle. ठीक है? Find angle between resultant and first vector and also find magnitude of resultant. बच्चों क्वेश्चन को दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, उसके ऊपर आपको 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट सजा के दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि उसका रिजल्टेंट कितना है पहला, और दूसरी चीज रिजल्टेंट ने इनिशियल वेक्टर के साथ, इनिशियल वेक्टर कौन सा हो गया हमारे पास 1 यूनिट के साथ में कितना एंगल बनाया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुना आपने, तो अब देखो वो वाली बात वापस यहां काम आएगी कि वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे बहुत 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 मिस्टेक्स करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड तो इक्वल होता है हमेशा, ये सभी जानते हैं। अब हम 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट तो इस पे शो कर ही नहीं सकता ना, बस यही गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, वो दिखा देते हैं ये 1 ये 2 ये 3, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 1 2 3 शो नहीं कर सकते। तो देखो किस तरीके से शो करना होता है, ये 1 यूनिट का हो गया, ये 2 यूनिट का हो गया, ये 3 यूनिट का हो गया। बोलो बच्चों आपको समझ में आया आप लोगों को, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल में शो किया है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में शो किया है बच्चों, तो आप ध्यान से देख के बताओ साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से इन तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। तो बचे हमारे पास कौन कौन, ध्यान से देखो, एक तो 1 यूनिट का ये बचा है और एक 2 यूनिट का ये बचा है, जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है भाई, ये एंगल तो 120 आएगा ना, तो ये एंगल आपके पास 60 हो गया, तो ये एंगल 120 है। ठीक है, और इनिशियल वेक्टर ये रहा, उसको आप पैरेलल शिफ्ट कर दो डॉटेड के फॉर्म में, क्योंकि हमको एंगल यहीं से निकालना है। क्लियर है? अब सुनते रहना बच्चों, ये 1 यूनिट 2 यूनिट रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताओ? अंडर रूट में a स्क्वायर, किसी को भी मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 * 1 * 2 cos 120 डिग्री। ठीक है, इसका नेट रिजल्टेंट हमारे पास आ गया √3। मुझे ये बात आपको समझ में आई। अब हमें एंगल निकालना है, तो बच्चों मेरी वही बात आपको यहाँ पे काम है, कौन सी? यहाँ पे नोन कौन कौन है? 1 यूनिट और 2 यूनिट, पर एंगल कहाँ से निकालना? एंगल यहाँ से निकालना। तो अभी एक बार भूल जाओ कि आपको यहाँ से निकालना है, आपको इन दोनों के बीच में पहले रिजल्टेंट फाइंड करने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखो, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट पक्का है उसकी तरफ आएगा। मान लो रिजल्टेंट आपका इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, अगर रिजल्टेंट इधर की ओर आ रहा है तो आप मान लो यहाँ से एंगल अल्फा है, और मैंने आपको क्या सिखाया, जिस वेक्टर के साथ आपने एंगल मान लिया उसके सामने वाला वेक्टर, अब इसको आप पैरेलल शिफ्ट करोगे तो सामने नजर आएगा ना, इसके सामने वाले वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ दो, तो आपके पास अगर tan अल्फा क्या आने वाला है, सामने वाला वेक्टर कौन सा है 2, तो ये कितना आ गया 2 cos 120 / 1 plus 2 नहीं ऊपर sin आएगा sin, और यहां पे 2 cos 120। इनिशियल से एंगल चाहिए बच्चों, इनिशियल से एंगल मतलब यहां से
से एंगल चाहिए, तो ये एंगल आपके पास ऑलरेडी कितना है 120 और ये एंगल कितना आ गया 90, तो नेट एंगल आपके पास कितना आ गया 90 प्लस 120 दैट इज 210 डिग्री। ठीक है, और बच्चों कई बार ऑप्शन में ये भी गिवन होता है, मान लो कि ये तो मैंने यहां से निकाला, यहां से भी एंगल गिवन हो सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं 360 माइनस 210, इसका मतलब 150 डिग्री। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो आप देख लेना। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों और हमारा अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर? ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर में देखो कैसे लिखते हैं हम लोग बच्चों, जैसे आपने दिया है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है, तो बच्चों मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं, कुछ बातें हैं उसको ध्यान से सुनो। आप इसको कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, आपको ये हेल्प करेगा a प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। अगर आप ये हमेशा लिखेंगे आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। तो देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे को गिवन है ये मेरे पास a वेक्टर है, क्लियर, ये मेरे को गिवन है, ये मेरे पास में इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, ये a वेक्टर हो गया और इधर मेरे को ये गिवन है, ये मेरे पास में b वेक्टर। तो रिजल्टेंट के बारे में आप जानते हो, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, किधर आएगा, इधर की होगी, ये क्या आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, इस समय एंगल के बीच में कितना है, ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछा है a माइनस b। तो देखो यहां पे इससे आपको क्या पता चलता है कि जो भी b वेक्टर का डायरेक्शन है आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वेक्टर हो गया है। क्लियर है? तो ये b वेक्टर है, तो b वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये, और ये कितना हो गया बच्चों माइनस का b, तो नेट आपके पास जो आने वाला है वो इधर आएगा, दैट इज योर a वेक्टर माइनस b वेक्टर। एक बात का ध्यान रखना, रिजल्टेंट का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ एडिशन के लिए करते हैं, यानी कि a प्लस b में बोल सकता हूं, a माइनस b को मैं रिजल्टेंट नहीं बोल सकता। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को निकालना था a माइनस b, ये आ चुका है a माइनस b। ठीक है, अब काम की बात सुनो, काम की बात ये है, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है थीटा, तो ये एंगल आपके पास कितना हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके साथ में एंगल लेना है, ये b वेक्टर हो गया, तो हमारे पास a वेक्टर के साथ में एंगल कितना है इस वेक्टर का, तो इस a वेक्टर को आप आगे सरका लो, ये पूरी लाइन कितनी है 180, तो आपके पास दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया 180 माइनस थीटा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ बच्चों a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। बच्चों यहां पे मैंने एक चालाकी कर दी है, उस चालाकी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये आपको क्या दिया था माइनस b वेक्टर, माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो प्लस में आता है ना हमेशा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस में होता है ना, तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, यानी कि इनमें कहीं पे माइनस आने का सवाल पैदा ही नहीं होता, यानी कि कहीं ना कहीं ये माइनस b है, क्योंकि यहां पे मैंने एंगल कौन सा लिखते हैं हम लोग cos थीटा में, थीटा कौन सा आता है, थीटा हमेशा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आता है, यहां एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। बोलो बच्चों बात समझ में आई आपको, तो अगर ये बात आपको समझ में आए तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का cos थीटा, ये बच्चों आपके पास में नेट रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट नहीं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है। क्लियर है? इसको ध्यान रखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा यहां पे माइनस आ रहा है, और ये थीटा, अब ये थीटा कौन है, ध्यान से देखो ये थीटा भी यही है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल ही, बस वो जो कन्वर्जन होना था वो आपको माइनस आ चुका है, तो आपको यही वाला थीटा का इस्तेमाल करना है। क्लियर? अब आगे देखो आप क्वेश्चन देखो बच्चों, और साथ में हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे इसका, क्वेश्चन देखो डायरेक्शन भी देखते हैं। देखो जरा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि a वेक्टर है आपके पास में 30 मीटर इनटू नॉर्थ, और b वेक्टर आपको दिया हुआ है 40 मीटर
बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है भाई, हमको तो बेसिक समझना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो आपको पूछा गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ फर्स्ट, और सेकंड आपको पूछा गया है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बताओ। बच्चों आपको यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों सेम मिलेंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग-अलग मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से इसको प्लॉट करो, और ए माइनस बी लिखा हुआ है तो उसको ए प्लस ऑफ माइनस बी लिखो, क्लियर है। नाउ देखो जरा फर्स्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना, अब मैं पहले इसको प्लॉट कर लूंगा, हर बार जब भी क्वेश्चन आए पहले उसको प्लॉट करो। 30 मीटर ड्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, ये इधर की ओर है 30 है ना, और 40 मीटर ड्यू नॉट ईस्ट इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। नाउ ये हमारे पास क्या है 40, अब आपको देखो क्या दिया हुआ है 30 मीटर ड्यू नॉट आपने प्लॉट किया, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, और आपको पूछा गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि आप इसको जरा लिखोगे तो क्या लिखोगे ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यानी जो भी बी वेक्टर का डायरेक्शन है उसके अपोजिट लेंगे। तो हमारे पास ये कौन था ए वेक्टर, ये हमारे पास कौन था बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन मिलेंगे तो ये किधर आएगा बच्चों पीछे की ओर बिल्कुल, और ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 40, तो नेट जो रिजल्टेंट अब आने वाला है वो इधर आएगा, वहां पे भी ये वाला आंसर सही जाएगा 53 डिग्री
ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है बच्चों, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। माइंड इट, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी मदद से हम लोगों ने पहले भी एक चीज निकाली थी, क्या? एंगल थीटा। उसी को ये जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे, इसका रिजल्ट आपको पता है क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग क्या इसे यूज कर सकते हैं यहां पे 2a cos थीटा / 2। बोलो बच्चों, और 2a cos थीटा / 2 अगर मैं यूज करता हूं, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट है तो ये भी 1, 2 into ये भी 1, और ये हो गया cos थीटा / 2। तो यहां पे कितना आ गया cos थीटा / 2 बता जरा, cos थीटा / 2 हो गया आगे हमारे पास 1/2। क्लियर है, यहां थीटा कितना आ गया देखो जरा, थीटा आ जाएगा 130 डिग्री। ये हमको यूज करना है उसमें, बिल्कुल। तो बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, a cap minus b cap, अगर ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके लिए पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको, ये भी सीख लो, उसके बाद ये लगाते हैं। देखो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास में सेम है, तो आप a वेक्टर minus b वेक्टर निकाल लें, प्लीज इसको जीरो मत कर देना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इसके लिए आपने रिजल्ट क्या लिखा था अभी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बिल्कुल यही वाला। अब मैंने आपको बोला इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। बोलो यहां पे क्या हो गया, 2a स्क्वायर कॉमन, पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा क्या हो गया हमारे पास, 2 sin स्क्वायर थीटा / 2। बोलो ये बात समझ में, अब यहां से देखो आपके पास क्या-क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, a आ रहा है, sin थीटा / 2 आ रहा है। यानी कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो है, तो आप a minus b वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकते हो 2a sin थीटा / 2। तो यहां पे भी आप देखो क्या लिख सकते हो, a के minus b के आपसे पूछा गया है, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखो, a cap minus b cap is equal to, क्या यूज कर सकते हैं, 2a sin थीटा / 2। बिल्कुल बच्चों ये एकदम याद रखोगे ना, डायरेक्ट यूज में आता रहेगा, वरना आपको बार बार ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, है ना, तो आपको याद रखना चाहिए 2a sin थीटा / 2। तो 2 into वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, क्योंकि यहां पे a cap है, तो ये हो गया 1 into sin थीटा / 2। अब बताओ थीटा कितना है, 120, यहां पे थीटा 120 गया, तो उसे डिवाइड हुआ sin 60, और sin 60 हमारे पास हो गया √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ गया √3। क्लियर है, नोट करो इसको। आपको बोला गया है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स है, तो देखो किस तरीके से उसने अरेंज किया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 1, एंड फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा लो, कैसे निकल जाएगा, ठीक है, इसको आप उधर ले जा सकते हो, तो इसको लिख सकते हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो बच्चों, और इधर क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिख दोगे आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप समझ गए ना, मेरे पास इसके ऊपर मैग्नीट्यूड और दोनों हैं, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। बच्चों ध्यान से देखो आप, इसमें कुछ कमी है अभी, इस पर रुक गया है, बिल्कुल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया, क्लियर। नाउ देखो दोनों तरफ हमारे पास सेम क्वांटिटी की तरीके से, तो रूट से रूट चला गया, एक बार रूट से रूट चला गया, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, 2ab cos थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस का 2ab cos थीटा, है ना। अब थोड़ा महान हस्ती की तरह मत कर देना, महान हस्ती क्या करती है,
देखते रहो, मान लेते क्या करती है, 2 से 2 काट दिए, a से a काट दिए, b से b काट दिए, cos से cos काट दिया, 1 इक्वल टू -1 प्रूव हो जाता है, और थोड़ी देर और रुकते हैं तो ये मान उधर आ जाता है, 2 इक्वल टू 0 भी प्रूव हो जाता है, जो कि ये गलत है। इस तरीके से नहीं लिखते बच्चों, इसको क्या लिखते हैं देखो जरा, मैं वापस से ड्रॉ करता हूं, ये ना लिखना 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस का 2ab cos थीटा, आपको ये दिया हुआ है इसको इधर ले आओ, ये हो गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, ये 4 टर्म इसके नीचे चला जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया, तो cos में 0 कब आता है, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। आपको मान लो इस बार क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बाइक इज 10 मीटर पर सेकंड, मिलता रहता हूं साथ में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाइक आपको दिया हुआ है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्म। ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ही टेक अ टर्न टू ईस्टवर्ड एंड थोड़ी देर के बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछता है आपको फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, बच्चों ये काम की चीज है जरा सीखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, माइंड यू ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपको इसको ऐसे लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हैं या चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो डायरेक्शन जब तुम निकाल लेंगे अभी देखना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और मैंने आपको क्या समझाया, आप क्या लिखेंगे इसको v फाइनल प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से इसको आप कुछ इस तरीके से करें, सबसे पहले आप इसको प्लॉट करें, तो लोपा क्या करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्म उसको इधर लिया। ठीक है, मैं लेता हूं इधर, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ले लिया उन्होंने है ना, उसके बाद क्या होगा 12 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, इधर की ओर 12 मीटर पर सेकंड हो गया। अब उसको लेके बैठ जाते हैं, ये भी इनिशियल हो गया और ये भी फाइनल हो गया, अब लोपा इसको लेके बैठ जाते हैं, यू नीड इसको पैरेलल शिफ्ट करें, अरे इसको आप पैरेलल शिफ्ट करो ना यहां से यहां, तो ये आपके पास देखो क्या आ गया v फाइनल दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, बोलो ये बात समझ में। अब आपको क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी चूंकि इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो बताओ v फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, चूंकि 90 डिग्री है तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बोलिए बात समझ में, तो ये कितना हो गया 144 प्लस 100 दैट इज अंडर रूट 244 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास नेट आ गया मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपको डायरेक्शन पूछता है बच्चों, तो डायरेक्शन के लिए देखो आप क्या लिखोगे, मैंने आपको सिखाया हमेशा ये चीज आपको डायरेक्शन में हेल्प करेगी, v फाइनल प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल, यानी कि जो भी इनिशियल का डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले लो, तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लेते यानी कि इधर आएगा माइनस का v इनिशियल, बोला आपको ये बात समझ में, तो रिजल्टेंट कहां आने वाला है, मतलब ये जो रिजल्टेंट आया ये इनके बीच में नहीं आया, ये इनके बीच में आया है, जो ये मतलब जो v फाइनल माइनस v इनिशियल आया ना ये इधर नहीं आया, ये इधर आया, क्योंकि आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल चाहिए था, क्लियर है बात। अब आप क्या करो, यहां से एंगल मान लो इसको अल्फा, तो देखो tan अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा बच्चों आपके पास में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब ये बताओ ये परपेंडिकुलर में आपके पास लेंथ कितना है 10 और बेस में कितना है 12, तो ये हो गया 10 / 12, आप इसको काटोगे तो अल्फा आ गया आपके पास में tan इनवर्स 2 से जा रहा है 5 / 6, और ये एंगल है कहां से बच्चों, ईस्ट से आप लिखोगे पीछे की ओर, दूसरी तरफ साउथ भी हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट। अब आप मैं आपसे पूछूं बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 244 मीटर पर सेकंड ड्यू tan इनवर्स 5 / 6 साउथ ऑफ ईस्ट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Resolution of
वैसे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि रिजोल्यूशन किसी एक वेक्टर का कितने में हो सकता है, रिजोल्यूशन का मतलब समझो आप कंपोनेंट्स में तोड़ना, एक वेक्टर को आप कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि एक वेक्टर को आपको एक प्लेन में तोड़ना है, तो प्लेन में आप कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, तो इसका आंसर आएगा दो, कोई भी दो एक्सिस के अलोंग। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि रिजोल्यूशन करो आप इसको 3D में, तो 3D में आप कितने एक्सिस के अलोंग इसको तोड़ सकते हो, तीन कंपोनेंट्स के अलोंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर्स को कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, तो इसका जवाब है इनफाइनाइट। तो देखो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं रिजोल्यूशन 1D भी हो सकता है, रिजोल्यूशन 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट हमारे पास है नहीं, 2D और 3D है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2D रिजोल्यूशन। ठीक है बच्चों, 2D रिजोल्यूशन की हम बात करेंगे। क्लियर? तो देखो 2D रिजोल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे कोई एक वेक्टर होता है तो मैंने आपको बताया था उस वेक्टर में ax i कैप प्लस b a y j कैप क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। क्लियर? इसको आप लिख सकते हो, देखो किस तरीके से आप इसको प्लॉट करो, इसे देखो ये मान लो y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, आप एक्सिस कोई भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस याद रखना कि यहां पे भी कोई चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया a वेक्टर। अब इस a वेक्टर का जो ये जो कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे ax, बोलो बच्चों, और यहां पे ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा ay। क्लियर बच्चों, ये ax हो गया, ये ay हो गया। अब हमको क्या चाहिए बेसिकली, रिजोल्यूशन का मतलब है हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये ax और ay की वैल्यू एक्चुअली हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ a क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एंगल इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, एक बार यहां से थीटा मान लिया तो देखो इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो cos थीटा आपके पास में क्या आ रहा है, तो cos थीटा अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ax upon a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैंने आपको सिखाया था यहां पे मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं और ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है। क्लियर? वहीं अगर मैं sin थीटा की बात करूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा ax equal to a वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, बोलो बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं आपको sin थीटा पूछूं बच्चों, sin थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ay upon a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो sin थीटा हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर upon हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर में ay भी आपके पास में, ay upon a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको ax y को लिख के बताओ क्या आएगा, ay आएगा आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और sin थीटा। अब इनको उठा करके आप कहां डालो, इस इक्वेशन को उठा के आप यहां रखो जरा, तो आपके पास a वेक्टर देखो क्या आ रहा है, a वेक्टर आ रहा है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा i कैप प्लस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा j कैप, और ये आ गया आपके पास में कंपोनेंट फॉर्म में। क्लियर? ये रिजोल्यूशन हो गया हमारे पास। याद करो मैंने तो थोड़ी देर पहले जो वेक्टर में बता रहा था, जैसे मान लो ये मेरे पास b वेक्टर हो गया, ध्यान से देखना बच्चों, ये मेरे पास b वेक्टर हो गया, यहां से इसने एंगल थीटा दे रखा है, तो आप हमेशा इधर की ओर b cos थीटा ले लें, देखो ध्यान से जिधर से एंगल दिया हुआ है उधर से आप हमेशा cos ले लें और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको बीच में रखते हुए आप sin ले लें, इसका इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट b cos थीटा और उधर क्या हो जाएगा b sin। अगर बच्चों आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो ये कोई वेक्टर है, इसका नाम मान लो m वेक्टर है, और इधर एंगल दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, अब इधर दिया हुआ है एंगल 90 माइनस थीटा, तो आप इधर ही लो क्योंकि एंगल आपको इधर दिया हुआ है, m क्या हो जाएगा इधर की ओर बताओ, m cos 90 माइनस थीटा, और m cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाए m sin थीटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी थीटा से इधर है या नहीं है, आप तो उसको कैलकुलेट कर लो cos के टर्म्स में, इसको ले लो अपने आप जो भी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगा, इधर की ओर क्या आ जाएगा m cos, इधर आ गया तो उधर चला जाएगा m sin 90 minus theta, तो ये हो जाएगा m cos theta। ठीक है बच्चों, तो इधर क्या आ जाएगा m sin theta, उधर क्या आ जाएगा m cos theta, नोट करो। एक बॉडी है जो मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, रिजॉल्व दिस इन कंपोनेंट फॉर्म, अब हमको इसको रिजॉल्व करना है, तो देखो सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं बच्चों, इसका मान लो आपके पास में ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया,
इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। अब आप पहले तो इसको प्लॉट करना सीखो। प्लॉट करना मतलब जो ये दिया था 10 मीटर पर सेकंड जो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी एंगल आपको कहां से दे रखा है, ईस्ट से। तो भैया ईस्ट से 37 डिग्री एंगल पर मोड़ दो, यानी कि ये रहा आपके पास में वो वेक्टर कितने एंगल पर, 37 डिग्री पर। ठीक है, एक बार आपका 37 डिग्री पर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या जाएगा बच्चों, 10 cos 37 और इधर क्या जाएगा 10 sin 37। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, इधर ये नेगेटिव आई होता है, सॉरी इधर आई होगा, इधर आपके पास में नेगेटिव आई हो गया, इधर का प्लस जे हो गया और इधर का माइनस जे हो गया, बाहर की ओर प्लस के इधर की ओर माइनस के। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था जब मैं आपको कंपोनेंट्स उसमें वेक्टर के बारे में बता रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बच्चों आप इसको प्लॉट करना है। अब आपको ये तो पता चल गया कैसे कैसे थोड़ा फटाक से क्या करना करो, ट्राइंगल बना लिया करो, ये 53 ये 37 ठीक है, ये 5 ये 3 ये 4 ठीक है। तो आपके पास में cos 37 कितना आ गया, कितना cos 37 हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। तो ये कितना आ गया 10 × 4/5 से कट गया, इधर 8 आ गया और इधर इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 6। तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो जरा बताना, ये हो जाएगा आपके पास 8i cap + 6j j, क्या है ये चीज क्लियर है, इसको हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है, वेलोसिटी इक्वल टू 10i cap - 10√3j cap। आपको इसको अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में करना है। देखो पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फॉर्म में दिया हुआ था, आपको कंपोनेंट फॉर्म में निकालने को बोला था और इस बार आपको कंपोनेंट दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए आप इसको प्लॉट करना सीखिए। देखो पहला डाटा क्या दिया हुआ है 10i cap और मैंने आपको सिखाया था इसको कैसे प्लॉट करना है, इस चीज को क्या लिखेंगे आप 10i cap + −10j cap। तो ये किधर आ रहा है 10i cap, इधर की ओर हमारे पास आ रहा है 10i cap। चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो इधर आपके पास क्या आ चुका है बच्चों 10 आ चुका है और ये है क्या प्लस ऑफ माइनस, यानी कि ये वाला क्वांटिटी किधर आ रहा होगा, इधर की ओर आ रहा होगा −10√3। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में आने वाला है। ठीक है, इनके बीच में मतलब कहीं पे बीच में आने वाला है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट में a² + b² यानी कि 10 का स्क्वायर + 10√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो जरा देखना कितना होगा, ये 100 ये 300 400 अंडर रूट में आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें चाहिए एंगल, तो आप मान लो यहां से एंगल अल्फा, एक बार आपने एंगल अल्फा मान लिया होगा 10 अल्फा आपके पास में क्या आने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है 10√3/10, ये कैंसिल से चला गया है ना, तो कितना आ गया √3 और 10 में √3 कब आता है जब अल्फा 60 डिग्री होता है और ये एंगल बच्चों कहां से बना हुआ है आपका ईस्ट से, इधर की ओर साउथ की ओर, तो क्या लिखूं मैं साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर, इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री फोर्सेस, फर्स्ट फोर्स आपको दिया है मान लो 30 न्यूटन, टू दिया हुआ है 40 न्यूटन ड्यू साउथ और F3 आपको दिया है 50 न्यूटन ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर, अब हमको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है कि ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स बताना है, फोर्स किस तरह की क्वांटिटी होती है वेक्टर, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना तो बच्चों वेक्टर कंपोनेंट से इतनी मदद मिल जाती है कि ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जरा देखो कैसे, सबसे पहला काम आप यही करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर बच्चों, अब अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर की ओर है तो देखो 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट 30 मीटर ड्यू ईस्ट इसको प्लॉट करो पहले, आपका इधर कितना आ गया 30, 40 मीटर ड्यू साउथ यानी कि आपका ये आ गया इधर 40। क्लियर, और ये बोला है 53 50 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ
यानी वेस्ट से एंगल है 37 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 50, तो इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे बताओ, 50 cos 37 और इधर क्या हो जाएगा 50 sin 37, ठीक है बच्चों। एक बार अगर ये आ गया तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालना है, ये निकाला जा चुका है, निकाल चुका है, क्योंकि हम लोग इसके कंपोनेंट ले चुके हैं x और y में। एक बार अगर कंपोनेंट ले लिया तो आप ट्रायंगल बना लो इसका फटाक से, ये 53 ये 37 5 3 और ये 4, sin 37 कितना हो गया बच्चों 4 राइट 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 × 4/5 से ये कट गया, कितना आया बच्चों ये आ रहा है हमारे पास में 10, ये आ रहा है हमारे पास में 40, ठीक है। और आप इसको तोड़ो, इसको तोड़ने में हमारे पास देखो क्या है, cos 37, cos 37 हमारे पास क्या हो गया, ये 3 बाय आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये 3 आना चाहिए, ये कितना हो गया हमारे पास में 30 हो गया। इसको देखो cos 37, cos 37 का मतलब 4/5, यहां इसे आप 4/5 करोगे तो 5 से लगा 10, ये कितना आ जाएगा बच्चों 40, इधर 40 आ गया, इधर 30, तो बताओ नेट कितना हुआ, इधर 40 इधर 30, तो नेट 10 उधर हो गया, बोलो इसको प्लॉट कर लो, ठीक है 10 इधर हो रहा है इधर की ओर, ये हमारे पास नेट 10 इधर हो गया। अब इधर भी देखो आप, इधर आपके पास में 40 है और इधर आपके पास में 30 है, तो नेट नीचे कितना हो गया 10, इधर भी आपके पास 10 हो गया, तो नेट रिजल्टेंट आपका कहां आने वाला है, ठीक इनके बीच में। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो अंडर रूट में a² - b² + b² करके, तो ये कितना आ जाएगा 10² + 10² दैट इज 10√2। मैग्नीट्यूड किधर आ गया, अब डायरेक्शन निकाल लो, आप डायरेक्शन मान लो यहां से एंगल अल्फा है, अब आप पता है ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, मतलब tan अल्फा आपके पास में क्या आ जाएगा 10 अल्फा आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस दैट इज 10/10 1 2 अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं ये बीच में आ रहा है दैट इज साउथ वेस्ट, तो आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड न्यूटन में है, तो ये आ जाएगा आपके पास में नेट आंसर 10√2 न्यूटन ड्यू साउथ वेस्ट। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक आपको पता है, ये वाला ब्लॉक जो इस पे नॉर्मल लगा था इधर लगेगा, इस पे नॉर्मल किधर आएगा इधर, मान लो आपको इधर का डायरेक्शन x एक्सिस दिया हुआ है, इधर का y एक्सिस दिया हुआ है, आपको इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके कंपोनेंट्स को तोड़ना है, मतलब नॉर्मल के नॉर्मल को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये देखो ये एंगल आपके पास कितना है थीटा, अगर आप यहां पे पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपके पास कितना आ जाएगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा है नॉर्मल इसके साथ परपेंडिकुलर तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - थीटा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा n cos 90 - थीटा, तो ये सिखाया था, तो इधर क्या हो जाएगा n sin थीटा, और इधर की ओर क्या जाएगा फिर n cos sin थीटा, इधर आ जाएगा इधर क्या जाएगा n cos थीटा। अब आप नॉर्मल के कंपोनेंट फॉर्म में लिखो तो ये आ जाएगा n sin θi cap + n cos θj cap, क्योंकि इधर ही x एक्सिस है तो ये प्लस में हो गया, इधर ही y एक्सिस है तो ये प्लस में हो गया, क्लियर बच्चों। वहीं अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें, ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, और इसका वेट इधर लगा है w, एंगल थीटा है, अब ये w के कंपोनेंट करने हैं इस एक्सिस के अलावा, मान लो ये वाई है आपका ये एक्सिस, ठीक है आपको इस एक्सिस के अलावा करना है, तो बोलो बहुत आसान है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ये 90 तो ये एंगल 90 - थीटा, और आपको इस लाइन के अलावा इसके कंपोनेंट आने हैं, तो देखो अगर आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां लाएंगे तो ये एंगल कितना है 90 - थीटा, तो ये एंगल वापस कितना हो गया आपके पास थीटा, डब्ल्यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा w cos θ, इधर वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा w sin θ, बोलो बच्चों ये बात आपको समझ में है, अगर आपको ये बात समझ में है तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल तो w कितना आ जाएगा बताओ, अब आपका x एक्सिस इधर है जबकि ये इधर आ गया, तो क्या लिखूं मैं
माइनस का डब्ल्यू साइन थीटा आई कैप, और देखो वाई उधर है और आपका इधर आ रहा है, माइनस का डब्ल्यू कॉस थीटा जे कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। बोलो बच्चों आसान था ना कंपोनेंट करना। ठीक आगे बढ़ते हैं, एक थ्री। ठीक है बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D में और मैं जो डायग्राम बना रहा हूं इस प्लेन में बना रहा हूं, ये प्लेन 2D है। ठीक है 3D डायग्राम को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। क्यों नजर आ रहा है आपको? नो ध्यान से देखो, मान लो ये मेरे पास में y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है। ठीक है कोई एक वेक्टर दे रखा है। अब बच्चों ये वेक्टर है ना हवा में, जैसे समझ लो, जैसे मान लो मेरा हाथ वेक्टर है, तो ऐसे में कर लूं तो ये प्लेन में हो गया, लेकिन मान लो ये y है, ये x है, इधर z है, और मैं यहां खड़ा होकर ऐसे कर रहा हूं, तो ये वेक्टर इस तरीके से शो हो रहा है ना, तो x ना x1 प्लेन में है, ना yz प्लेन में है, ना zy प्लेन में, किसी प्लेन में नहीं है ये, बस किस में है हवा में ऐसे। यानी कि इसने y एक्सिस के साथ, मान लो मेरे यहां से y एक्सिस निकल रही है, यहां से y एक्सिस के साथ में एंगल बना रखा है गामा, x एक्सिस के साथ में एंगल बना रखा है अल्फा, और z एक्सिस के साथ में एंगल बना रखा है गामा। ठीक है तो देखो इसने क्या-क्या बना रखा है, से मान लो ये रहा मेरे पास वेक्टर। ठीक है अब ये इस वेक्टर का नाम है a वेक्टर, और इसे वेक्टर के कंपोनेंट देखो कुछ इस तरीके से लिखे हैं, a वेक्टर इक्वल टू a i कैप a s i कैप प्लस b a y j कैप प्लस a z k कैप। तो हमें इन सब को ही निकालना है, a x a y a z। ध्यान से देखो इस a वेक्टर ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है ये है एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है ये है बीटा, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है ये है हमारे पास गामा। ध्यान से देखो जब इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो परपेंडिकुलर डलाई है, क्योंकि ये 3D में है तो आपको डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इससे परपेंडिकुलर डल रहा है तो ये ऐसे तो परपेंडिकुलर डल रहा है इससे, और इसको तो मैं परपेंडिकुलर शो ही नहीं कर सकता, यानी तीनों पे हम लोग क्या डाल सकते हैं इस पे परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर डालना तो कुछ समझना, ये लेंथ आपके पास कितनी होगी ax, ये लेंथ आपके पास कितनी होगी ay, और ये लेंथ आपके पास कितनी होगी az। ठीक है आपको चाहिए क्या ax ay और az, देखो कितना आसान है, ax आपके पास कितना है बताओ, a से पहले आप काम करो cos अल्फा निकालो, उससे आपको सब निकल आएगा, cos अल्फा क्या बता रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस क्या है आपके पास में ax का, हाइपोटेन्यूज क्या है ये वेक्टर, कितना आसान हो गया। ऐसे ही cos बीटा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया ay अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, और cos गामा क्या हो जाएगा, cos गामा भी कुछ इसी तरीके से आएगा az अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों इसको हम लोग और कुछ नहीं बट डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसी को बोलते हैं। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है एल एम और एन के टर्म्स में। ठीक है तो आपको कई बार ये चीज पूछी जाती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, जरा देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर का बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को लिखा हुआ है एक तरीके से, है ना, मैं इसको भी लिख देता हूँ एक बार, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। कैसे भाई, इसका x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जो नीचे का एलसीएम सेम आ रहा और वो भी आएगा अंडर रूट पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर का अंडर रूट, और बाहर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैंने चारों तरफ स्क्वायर करके रखा हुआ है, तो ये चीज आपस में कट जाएगी तो क्या बचेगा होगा 1। कई बार इसको इस टर्म्स में भी लिखा जाता है sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2, कोई नई चीज नहीं है, हैरान परेशान मत हो, cos square alpha क्या लिख सकता हूं मैं 1 minus sin square alpha 1 minus sin square beta 1 minus sin square gamma, sin 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 वालों को एक तरफ ले जाओ, और यहां भी क्या बचा 1 1 1 3 यहां पे माइनस आ जाएगा 2, ये बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर क्या है रूट थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव टी कैप। ठीक
ठीक है। अभी डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको क्या बताया था, cos अल्फा, cos अल्फा क्या हो गया ax अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ax क्या है, ये तो ये हो गया √3 अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, बोलो बच्चों, प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर? आपसे पूछा गया cos बीटा क्या होगा, तो cos बीटा में आपको देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, -2 अपॉन अंडर रूट में √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, वहीं आपसे पूछा गया है cos गामा क्या होगा, तो cos गामा हो गया हमारे पास 5 अपॉन अंडर रूट में √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो बहुत सिंपल है, कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास में अंडर रूट में a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया। जो भी इसके बाद कैलकुलेशन होकर के आ गई वही हमारे पास वैल्यू, जैसे इसको कैलकुलेट करो ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये कितना आ गया 29, 32, अंडर रूट 32 इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों?